आज हम ये पढ़ेंगे कि कोई कण मुख्य रूप से कितनी प्रकार की गतियां करता है। कोई कण मुख्य रूप से कितनी प्रकार की गतियां करता है? तो तीन प्रकार की गतियां करता है। तो वो होती है स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और दोलन गति। लेकिन हमें कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार जो पद आता है उसमें लिखा होता है स्थानांतरण गति, कई बार लिखा होता है रेखीय गति, कई बार लिखा होता है घूर्णन गति और धाराकार गति। तो क्या ये दोनों गतियां एक ही हैं या अलग अलग है? तो इनमें हमें फिजिक्स में कई बार कंफ्यूजन होता है। तो आज इन सभी गतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखीय गति। देखो, अगर कोई बिंदु कण हो, बिंदुवत कण हो, बिंदुवत कण मतलब ऐसा कण जिसका जिसका लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई जो हम बाहर से जिसको परिवेश के की तुलना में बहुत कम हो। जैसे हम एक एरोप्लेन की बात करते हैं, एक एरोप्लेन दिल्ली से अमेरिका की तरफ उड़ रहा है, तो उस एरोप्लेन की लंबाई या उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या उसकी विमा दिल्ली से लेकर अमेरिका तक की दूरी के तुलना में क्या है? नगण्य है। तो वो क्या हो गया? एक बिंदुवत निकाय। तो हम जब भी इस प्रकार से एक बिंदुवत निकाय की बात करते हैं, और केवल एक बिंदुवत निकाय सीधी रेखा में गतिमान हो, बिंदुवत कण सीधी रेखा में गतिमान हो, तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं रेखीय गति। लेकिन अब एक बॉडी हो, एक बॉडी हम एक फिजिक्स में हम ये सोच रहे हैं कि एक वस्तु है और एक वस्तु बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, और वो वस्तु को हम बोलते हैं, उस वस्तु को हम बोलते हैं दृढ़ पिंड, या हम बोलते हैं कणों का निकाय। तो दृढ़ पिंड क्या होता है? यहां पे एक पद आता है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड होता है जिसे अगर बाह्य बल भी लगाए तो उनके अणुओं के मध्य की दूरी या उनके कणों के मध्य की दूरी में परिवर्तन नहीं होता। जैसे फिजिक्स में हम जनरली किसी भी चीज को, जैसे इसे भी हम दृढ़ पिंड मान सकते हैं, क्योंकि अगर इसे बल लगाया जाएगा तो इन दोनों के बीच की, दो अणुओं के बीच की दूरी कम नहीं होगी। तो बाह्य बल लगाने पर अणुओं के बीच की दूरी अगर नहीं बदलती है तो ऐसा पिंड को अपन दृढ़ पिंड कहते हैं। अगर दृढ़ पिंड जिसमें बहुत सारे कण होते हैं और उसमें सभी कण का वेग समान है, इसमें आप देखेंगे इस एग्जांपल में, इस बॉक्स में ये बॉक्स बहुत सारे कणों से मिलकर बना है और सारे कणों का वेग समान है, तो इन सभी कणों का वेग अगर समान है तो इस पूरे की गति को अपन बोल देंगे, पूरे पिंड की गति को बोलेंगे स्थानांतरण गति। तो स्थानांतरण गति और रेखीय गति में पता चला फर्क समझ में आया? रेखीय गति मतलब एक कण वी वेग से गतिमान है, स्थानांतरण गति मतलब बहुत सारे वेगों का वेग, बहुत सारे कणों का वेग समान है और वो किसी भी तल पर गतिमान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वृत्ताकार गति और घूर्णन गति। वृत्ताकार गति में भी वही सेम पॉइंट है जैसे इसमें बिंदुवत कण था, वैसे ही अगर इसने एक बिंदुवत कण वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करता है, बिंदुवत कण है वो वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करता है तो हम बोलेंगे वृत्ताकार पथ गति बोलेंगे इसे। लेकिन यदि बहुत सारे, वापस हम बात करते हैं एक कणों के निकाय की या दृढ़ पिंड की, दृढ़ पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, तो यदि एक दृढ़ पिंड है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, उसका प्रत्येक कण वृत्ताकार गति कर रहा है, उसका प्रत्येक कण वृत्ताकार गति कर रहा है और किसी अक्ष के सापेक्ष, जैसे यदि किसी कणों की निकाय की गति इस प्रकार हो कि उसके सभी कण एक स्थिर अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार गति करें, एक स्थिर अक्ष आप इधर देख सकते हैं, जैसे ये एक घूर्णन गति है कि इसमें अलग अलग बिंदुओं पर, ये एक बिंदु कण, ये अलग अलग कण है और सभी कण इस अक्ष के सापेक्ष, ये अक्ष है जिसके सापेक्ष में घुमा रहा हूं, इस अक्ष के सापेक्ष वृत्ताकार गति कर रहे हैं, सभी कणों की त्रिज्या अलग अलग है। तो आप इधर देख सकते हैं इस चित्र में, हम कण इसे एक वृत्ताकार, इस पूरे निकाय को 1, 2, 3, 4, इसमें चार कण मानते हैं और वो अलग अलग जगह किसी वस्तु में स्थित है। सबसे पहले इस निकाय की, इस कण की बात करते हैं, इस कण की त्रिज्या कितनी है? r, और वो क्या कर रहा है? एक वृत्ताकार गति कर रहा है, ये भी वृत्ताकार गति कर रहा है, ये कण भी अलग अलग
पहले दूसरे तीसरे चौथे कर्ण की सबकी त्रिज्या अलग अलग है और सारे एक इस अक्ष के चारों तरफ वृत्ताकार गति कर रहे हैं। तो ये एक निकाय वृत्ताकार गति कर रहा है तो हम इसे बोलेंगे ये घूर्णन गति है। बिंदुवत कर्ण वृत्ताकार गति करेगा हम बोलेंगे, हम सिंपल उसको बोलेंगे सिंपल वृत्ताकार गति। तो घूर्णन गति और वृत्ताकार गति में ये फर्क होता है। उसके बाद आता है दोलन गति। दोलन गति में एक वस्तु किसी साम्यावस्था के, देखो ये अभी हम साम्यावस्था में है, फिर ये साम्यावस्था से इधर विस्थापित हुई, इधर विस्थापित हुई, इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द निश्चित समय अंतराल में गति करती है तो ऐसी गति दोलन गति कहलाती है।